हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, आज के रेसिपी में बनाने वाले हैं दोस्तों तीन कोने वाली मठी। तो आज दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है दोस्तों तीन कोने वाली मठी। बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस कटोरी से भर करके ले लिया यहाँ पर मैदा। तो मैदा में यहाँ पर हल्का सा हम होल बना लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे दोस्तों आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर मछली में बहुत अच्छा लगता है और अजवाइन पड़ता ही है दोस्तों। तो इसको क्रश करके हम डालेंगे आधा चम्मच। इसमें डालेंगे हम ये कलौंजी। हल्का से इसमें हम नमक डाल रहे हैं दोस्तों। मछली वगैरह में नमक होता है ही हल्का, और डालना चाहिए नमक। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा नमक डाल दिया है। और यहाँ पर मैं डाल रही दोस्तों रिफाइंड ऑयल। यहाँ पर मैंने बड़े चम्मच से 3 से 4 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया था दोस्तों। तो इसको यहाँ पर पहले हम अच्छे से मिला लेंगे हाथों से मसलते हुए मैदा को। तो यहाँ पर मैंने मैदा को अच्छे से मिक्स कर लिया दोस्तों। और इस तरह से मुट्ठी बांध रहे हैं, तो मुट्ठी आराम से बंध रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर मोइन सही डालना होता है दोस्तों। अब यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 गिलास पानी दोस्तों। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा सानते हैं ना, उस तरीके से हमें ये दो रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा का डो लगा लिया है दोस्तों। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें लगाना है। तो यहाँ पर इसको ढक करके हम 10 मिनट रेस्ट में छोड़ेंगे दोस्तों। और पानी देखिए कितना लगा है, 1 गिलास में ये आधा गिलास से हल्का भी पानी कम लगा है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है दोस्तों गोंद रेडी करने के लिए। यहाँ पर लिया है मैंने 1 चम्मच रिफाइंड तेल। अब इसमें हम डालेंगे ये 1 चम्मच मैदा भर करके। अगर लगेगा थोड़ा बहुत और तो हम बाद में इसमें डाल लेंगे। और इसको अच्छे से मतलब घोल रेडी करना है, थोड़ा सा गाढ़ा रेडी करना है, जैसे घी वगैरह होता है ना ठंड में जम जाती, उस तरह के से हमें यहाँ पर रेडी करना। तो काफी ज्यादा मतलब पतला लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच और मैदा हम इसमें मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर गोंद भी रेडी कर लिया है। और यहाँ पर ये हो गए हैं 5-10 मिनट आटा को रेस्ट किए हुए। तो गमला से हम निकाल लेते हैं आटा को यानी मैदा को, और इसको इस तरीके से हम रोल कर लेंगे। तो इसको हम 2 भाग में कर लिए हैं दोस्तों। और इसको 1 भाग को हम इस तरीके से रोल कर लेंगे इसको। और अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरी इतना हम इसको छोटे छोटे साइज में कट कर लेंगे इसको इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिए हैं दोस्तों, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और इसको अब करना क्या है आपको मैं बताती हूँ। तो इस तरीके से एक उठाना है लोगों को, और इस तरीके से हल्का सा चिपटा कर देना है। और इसको उठा करके हम सीधा बर्तन में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने सारे लोग के निकाल लिया है। अब चलते हैं फटाफट से हम मठरी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 मठरी ली हूँ दोस्तों। अब इसको हम बेल लेंगे, जैसे हम पूरी बेलते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमें बेल लेना है। तो यहाँ पर मैंने बेल लिया है जो दोस्तों पूरी जैसा। और अब इसमें आती है ये गोंद। ये जो हमने गोंद रेडी किया है ना, इसको हम हल्का सा इसमें डालेंगे और पूरे में इसको अच्छे से लगा देंगे इसको। तो इसको पूरे में लगा दिया है दोस्तों। अब जैसे हम पराठा फोल्ड करते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमें फोल्ड करना है। और इसको हाफ में भी ये गुलू हमें लगाना है जो हमने मैदा या रिफाइंड ऑयल का रेडी किया है। और इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेने हैं। आप चाहे तो यहाँ पर हल्का सा इसको बेलन इस तरीके से घुमा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी आप इसको मठरी बिना बेले भी आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए तो ये हो गया है ना 3 कोने वाली मठरी रेडी। तो इसी तरीके से हम सभी को रेडी कर लेंगे बना करके। तो मैंने यहाँ पर इतना मठरी रेडी कर लिया है दोस्तों। तो इतना फ्राई कर लेते हैं। इधर मैंने गैस पर तेल डाल करके कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दी थी। तो तेल गर्म हुआ या नहीं हम थोड़ा सा मैदा डाल करके चेक कर लेंगे। तो तेल यहाँ पर ठीक गर्म है दोस्तों, मीडियम में गर्म होना चाहिए हमारा तेल। तो मैंने यहाँ पर आंच को दिया है एकदम मीडियम लो कर। और ये मठरी जो हमने तैयार की है ना बेल करके, जितना कढ़ाई में आएगा उतना हम डाल देंगे यहाँ पर। और इसको इसको हल्के तेज गर्म हो, मतलब ये हल्का तेल गर्म होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं तो मठरी अच्छे से सिक नहीं पाएगी और जल जाएगी ऊपर से।
तो यहाँ पर इस तरीके से हल्का गर्म हमें तेल चाहिए, इसको आप सीखने देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको आज को मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए मैंने कितना लो रखा है, मीडियम लो में रखा है मैंने आज को। और इसको देखिए, ये हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए हैं दोस्तों। तो इसी तरह से हमें इतना कम आँच में इसको मतलब सेकना है, क्योंकि ये मैदा का मटकी है तो इसको अंदर तक सेकना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसीलिए कम आँच में इसको अलग पलट करके हम इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको मछली को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अच्छे से, दोनों तरफ से इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है दोस्तों। इस तरीके से हमें मछली को फ्राई कर लेने हैं। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला मछली मैंने बना करके रेडी कर लिए हैं एकदम, अभी काफी ज्यादा गर्म है। तो ये देखिए दोस्तों, तीन कोने वाले मट्ठी बन करके रेडी हो गया है दोस्तों। और आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना खस्ता बना हुआ है दोस्तों। तो मेरी ये रेसिपी बन करके रेडी हो गया है दोस्तों। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो प्यार से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।